अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल और मैं ज़हीर चौधरी डडयाल आज़ाद कश्मीर से। नाज़रीन, इस वक्त हम आपको डडयाल धन गली के मकाम की सैर करवाते हैं। ये डडयाल का एक मशहूर सियाती मकाम है और हम उस मकाम की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त हम संडल क्रॉस में मौजूद हैं। आए हम चलते हैं आपको धन गली ब्रिज, जो डडयाल आज़ाद कश्मीर का मशहूर सियाती मकाम है, उसकी सैर करवाते हैं। पे हम खड़े हैं, ये धन गली ब्रिज से तकरीबन 3 किलोमीटर पहले आता है। यहाँ पे ये गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर ने टूरिस्ट पॉइंट बनाया है। गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर के महकमा सियात ने, ये उनके पास एक ग्रांट आया था, इसको बिल्कुल ज़ाया कर दिया है। ये जो पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बनाया है, ये पॉइंट होना चाहिए था धन गली ब्रिज के पास, जहाँ पे एक बहुत बड़ा खूबसूरत व्यू है और वहाँ पे टूरिस्ट आते और वो रुकते। लेकिन ये एक उन्होंने यहाँ पे टूरिस्ट पॉइंट बना दिया है, यहाँ पे चंद झूले भी लगा दिए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई और मज़ीद सहूलत मौजूद नहीं है, यहाँ पे कोई स्टाफ मौजूद नहीं है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि काफ़ी अरसे से यहाँ पे ताले भी लगे हुए हैं। और ये टूरिस्ट पॉइंट जो यहाँ पे बना हुआ है धन गली ब्रिज से 3 किलोमीटर पहले, ये इस वक्त आवाम के किसी काम का नहीं है। और यहाँ पे कोई, आप देख रहे हैं, किसी तरफ भी इस मौसम में भी कोई सियाह आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, कोई यहाँ पे लोग मौजूद नहीं है, यहाँ पे झूलों में कोई बच्चा नहीं बैठा हुआ है। नाज़रीन, तो इस वक्त हम धन गली ब्रिज पे पहुंचे हैं, जो डडयाल आज़ाद कश्मीर का मशहूर सियाती मकाम है। हम इस वक्त जहाँ पे खड़े हैं, हमारे दाएं तरफ जो है ये कलर शहीदां पाकिस्तान की हदूद है और हमारे बाएं तरफ जो है ये आज़ाद कश्मीर की हदूद है। और ये हमारे अक्कम में जो आपको नज़र आ रहा है, ये धन गली ब्रिज है। नाज़रीन, चूँकि आज़ाद कश्मीर, डडयाल आज़ाद कश्मीर में भी और पुल के उस तरफ भी पंजाब हुकूमत ने ना उस तरफ कोई सहूलत दी हुई है और ना उस तरफ कोई पार्क मौजूद है और ना इस तरफ डडयाल शहर में कोई पार्क मौजूद है, इसलिए ईद के मौक़ों पर और मुख्तलिफ जश्न आज़ादी के मौक़ों पर लोग सैर और तफरी के लिए इस पुल पर आते हैं और ये लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना होता है ये पुल। इसके अलावा इसलिए भी ये पुल बहुत अहमियत का हामिल है, 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर के मौके पर भी इस पुल पर आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामी क़यादत, सियासी क़यादत और उस तरफ से पाकिस्तान की इंतज़ामी सियासी क़यादत हाथों की जंजीरें बनाकर योम यकजहती कश्मीर भी इस पुल पर बनाते हैं। इस पुल के नस्बत से बहुत ज़्यादा तारीखी जो वाक़ियात हैं वो भी इस पुल से जुड़े हुए हैं और इस पुल पे मुख्तलिफ जो हमारे मुसन्नफ़ हैं उन्होंने बहुत सारी किताबें भी इस के रिलेटेड, धन गली के रिलेटेड लिखी हुई हैं और इसलिए भी ये बहुत अहमियत का हामिल है। और हमेशा जो हैं जो मौके होते हैं उन पे यहाँ पे लोग आते हैं और लोगों का बहुत ज़्यादा रश होता है। और बल्कि हम आपको अभी सैर करवाते हैं, हम पुल के उस तरफ भी चलेंगे जो आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पे सामने ये जो मंगला डैम की फ़िश है, ये यहाँ से जो गुजर रहा है, ये दरिया जेलम गुजर रहा है और जो यहाँ पहुँच कर आगे मंगला डैम में शामिल हो जाता है। और इसलिए यहाँ पे जो है ना, ये जो मकामी लोग हैं उन्होंने अपने ढाबे वगैरह छापे यहाँ पे बनाई हुई हैं और यहाँ पे जो सियाह हैं वो आते हैं और यहाँ से वो जो होती है देसी मछली, आप इसे कह सकते हैं, वो उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और यहाँ पे 2-3 किस्म की जो मछलियाँ हैं वो इंशाल्लाह आगे चल के हम आपको बताएँगे, वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और ज़्यादातर सियाह वो फ़िश खाने के लिए भी इस मकाम की तरफ रुख करते हैं। जी
सहूलत तो बिल्कुल भी नहीं है और ज़्यादातर लोग इस जगह से वाकिफ भी नहीं है और ना ही जानते हैं कि ये इतनी खूबसूरत जगह है भी है या नहीं। सियाती मुकाम जहाँ पे हम खड़े हैं ये धन गली के नाम से मशहूर है और ये दरियाए जलम है जिसके ऊपर ये पुल बनाया गया है और ये पुल चाइना ने अपना दोस्ताना पाकिस्तान के साथ एक रवैये एक रबत के साथ इसकी तामीर की है जिससे आज लोग बासानी आर पार हो रहे हैं और ये कुदरती मनाजर जिसको हम सियाती मुकाम कहते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट पाकिस्तान या गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर की तरफ से कोई काम नहीं हुआ कि इस सियाती मुकाम को खूबसूरत बनाने के लिए बच्चों के लिए कोई पार्क छोटा सा बनाया जाए झूले लगाए जाएं या कोई बड़ों के लिए बैठने के लिए या उनके लिए कोई बड़ा होटल यहाँ पे बनाया जाए जहाँ पे अंधेरे में या दिन के उजाले में वो उसमें आकर आराम कर सकें बैठ सकें। और मज़े की बात यह है कि एक इस छोटा सा रेस्ट हाउस ही उसको आप कह सकते हैं वो यहाँ से 3 किलोमीटर पीछे दरियाल की तरफ बनाया गया है जो लावारस पड़ा हुआ है और उस पर कोई तवज्जो दी नहीं जा रही। यहाँ की जो मशहूर चीज़ है यहाँ की फ़िश है ये जो ताज़ा फ़िश है मंगला डैम की ये यहाँ पे हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं हम इनसे जानने की कोशिश करें कि ये कौन कौन सी फ़िशें इन्होंने रखी हुई हैं और लोग यहाँ पे किधर किधर से फिश खाने के लिए आते हैं और कौन सी फिश ज़्यादा पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जी वालेकुम सलाम, उम्मत नाम है। आपने कौन कौन सी फिश रखी है, इनके क्या नाम है ज़रा बता दें जी। एक काला रोहू है, सिल्वर है, चेना माचेर है, उसके बाद गोल्डन रोहू है। अच्छा, तो लोग ज़्यादा पसंद कौन सी करते हैं? ज़्यादा पसंद चेना माशिर करते हैं और सिंगाड़ा करते हैं जो बगैर कांटे के हैं। अच्छा, सिंगाड़ा ज़्यादा लोग यहाँ पे खाते हैं? जी हाँ। तो सिंगाड़ा महंगी भी होगी ना? हाँ, तकरीबन 700 रुपये किलो है। अच्छा, ये जो साथ ये आपके कब में है जो डैम है दरिया ये इसकी फिश है ताज़ी यहाँ की या कहीं फार्म वगैरह के आप लाते हैं? जी इसकी है। अच्छा जी, तो कहाँ कहाँ से लोग इस्लामाबाद और पिंडी दूर दूर से आते हैं या मकामी लोग? मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं लोग, मसलन पिंडी हो गया, इस्लामाबाद हो गया, दरियाल हो गया, चकसवारी हो गया। और ईद के मौक़ों पे ज़्यादा रश होता है या हर वक्त यहाँ पे रश रहता है, लोग आते रहते हैं? तकरीबन इतवार जुमेरात को रश ठीक ही रहता है। धन गली ब्रिज को हमने आपको दोनों तरफ से उस तरफ से भी दिखाया, उस तरफ से सियों से आपकी बात करवाई और यहाँ की जो मशहूर फ़िश है वो भी हमने आपको दिखाई कि कौन सी फ़िश है और लोग सबसे ज़्यादा कौन सी फ़िश पसंद करते हैं। तो इस वक्त जब हम मौजूद हैं जिस जगह पे, इधर से अगर आप रावलपिंडी तरफ से आना चाहें तो 60 से 70 किलोमीटर रवात से आप इस खूबसूरत प्लेस पे आ सकते हैं और अगर दूसरी तरफ दरियाल अगर कश्मीर से आप आएँ तो 20 से 25 किलोमीटर के मसाफत के बाद आप धन गली ब्रिज पर पहुंच सकते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत कुदरती हुसन से माला माल है। आप ये देखें पीछे कितनी खूबसूरत पहाड़ियाँ, पानी के नज़ारे और ये सरसा दरख्त ये आपको नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन शायद मिर्ज़ा के साथ ज़हीर चौधरी, औसाफ डिजिटल।